हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हमें जो करंट अफेयर लेके आए हैं जो पूरे फरवरी मंथ की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है जी करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुखिया वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है? चार ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है जो बी है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री है जो, उन्होंने जो मुखिया वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, साथ में आप तस्वीर भी देख सकते हो। सेकंड प्रश्न, 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत न्यूनतम प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाएगी? 1,000, 2,000, 6,000 या 3,000? तो वो दी जाएगी 3,000 पेंशन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो है प्रमोद चंद्र मोदी। साथ में आप तस्वीर भी देख सकते हो। इसके अलावा चार तीन ऑप्शन और हैं, सुशील मोदी, अश्वनी लोहानी, बिमल जालान। तो CBDT का अध्यक्ष है जो प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ए श्रीचंद, बी राजेश सैनी, सी सुशील चंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी है, सुशील चंद्र, जिसे है जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, सुशील चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार, विश्व बैंक और किस राज्य की सरकार ने नागरों को स्वच्छ और विश्वसनीय जल प्रदान करने में मदद करने के लिए 40 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उड़ीसा, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा या डी महाराष्ट्र। वो है हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने है जो नागरिक को स्वच्छ और विश्वसनीय जल प्रदान करने की मदद के लिए जो 40 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एक विश्व बैंक है और दूसरा राज्य है जो हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद और सीईओ फोरम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी पुणे, डी मुंबई। तो ये किया गया है नई दिल्ली में, भारत और अमेरिका वाणिज्यिक संवाद सीईओ फोरम है जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान। वो है आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान से, जो पीछे ही में जो पुलवामा में हमला हुआ है उससे रिलेटेड है जो, ये है जो देश है जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इनमें से किस बैंक पर विभिन्न बैंकिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ इंडिया या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है जो उपरोक्त सभी आएगा, इन तीनों बैंकों पर है जो 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, कारण ये है मानदंडों के उल्लंघन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण मैसेडोनिया या मैसेडोनिया गणतंत्र या पूर्वी मैसेडोनिया। तो इसका आंसर आएगा ए उत्तरी मैसेडोनिया, जो मैसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर रख दिया है उत्तरी मैसेडोनिया। अगला क्वेश्चन है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स PETA द्वारा किसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? वो है ब्रेडले कूपर,
ऑप्शन बी, साथ में तस्वीर भी देख सकते हैं ब्रेड लेक ऊपर की। इसके अलावा तीन और ऑप्शन सी, जेन डैश, रणबीर कपूर, माइकल फुलेब। लेकिन हमारा आंसर है जो बी है, ब्रेड लेक ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेंगी? वो राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन सी, जो 10,000 से अधिक कंपनियां हैं जो महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में को चन्ना वाजपा का निधन हो गया है, वो क्या थे? साथ में तस्वीर देख सकते हैं उनकी, न्यायाधीश, बी लेखक, सी पत्रकार, या डी ए और बी दोनों। वो न्यायाधीश भी थे और लेखक भी थे, इसलिए डी ऑप्शन है, चन्ना बसपा, जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। जो माइकल ट्रेड शो है मेडिकल फेयर इंडिया 2019, वो नई दिल्ली में है जो आयोजित किया गया है। राइट आंसर है जो हमारा डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा सभाभिमान योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी केरल, या डी राजस्थान। तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री युवा सभाभिमान योजना मध्य प्रदेश में है जो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIBA इलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है ऑप्शन बी अजय सिंह को। इसके अलावा ए ऑप्शन था कीर्ति सिंह, सी है रणवीर चौधरी, डी है दीपक अग्रवाल। हमारा राइट आंसर है जो बी है, अजय सिंह का है जो AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्हें है जो नियुक्त किया गया है। तस्वीर भी साथ में आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित स्ट्राजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? चार ऑप्शंस हैं, निखात जरीन, मीना कुमारी, लक्ष्मी देवी, या ए और बी दोनों। ये निखात जरीन और मीना कुमारी ने है जो बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित है जो स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ए और बी निखात जरीन और मीना कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने हाल ही में कहाँ पर इक्रो सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये किया गया ऑप्शन बी केरल में, इको सर्किट परियोजना का पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने है जो उद्घाटन किया है केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई टेक फॉरेंसिक लैब NCFL और साइपैड का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी जयपुर। तो ये किया गया है ऑप्शन सी नई दिल्ली में, फॉरेंसिक लैब और साइपैड का उद्घाटन। ये भारत की पहली हाई टेक फॉरेंसिक लैब है। अगला क्वेश्चन है, मार्म द्वारा मैला साफ करने से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत पहली बार किस शहर में बेडिकूट नाम से एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है? ये किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन डी। इसके अलावा तीन ऑप्शन और थी, नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। जो रोबोट है वो चेन्नई में पेश किया गया है, सीवर की सफाई करने वाला, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हरियाणा में। इसके अलावा तीन और ऑप्शन है, लेकिन हमारा आंसर है जो ए है, हरियाणा में है जो चौथा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन है जो हरियाणा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? वो है न्यायमूर्ति डीके जैन को, तस्वीर देख सकते हो, जिन्हें बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति डीके जैन। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर बेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी मुंबई। तो ये किया है नई दिल्ली में, बेस्ट टू वंडर पार्क का नाम है, उद्घाटन किया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, और स्थान है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 2018 और 19 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज प्रदान करने का निर्णय लिया है? वो ब्याज है 8.65%, ऑप्शन सी। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत कोरिया स्टार्टअप हब शुरू किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी सियोल। तो वो शहर है सियोल, जहाँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया स्टार्टअप हब है जो शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए वो ये नई दिल्ली में, इसके अलावा चेन्नई, गोवा, जयपुर, जयपुर ऑप्शंस हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है विश्व कप, इसकी है जो शुरुआत है नई दिल्ली में हुई है। अगला है, नागालैंड के प्रथम लोकायुक्त के रूप में किसे शपथ ली है, किसने शपथ ली है? वो है जमा उमानाथ सिंह, ऑप्शन डी। साथ में आप तस्वीर देख सकते हो, जो नागालैंड के प्रथम यानी कि पहले लोकायुक्त हैं जो उमानाथ सिंह। अगला है, किस देश ने हाल ही में 3 दिवसीय वार्षिक नेवी ड्रिल विलायत 97 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका आंसर है जो सी ईरान, देश ने हाल ही में जो 3 दिवसीय वार्षिक नेवी ड्रिल, इसका नाम है विलायत 97 का शुभारंभ किया है ईरान देश ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुष एआई न्यूज प्रेजेंट्स के साथ पढ़ने के लिए दुनिया की पहली महिला एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो वो है चीन देश की है जो पुरुष एआई न्यूज प्रेजेंट्स के साथ है जो पढ़ने के लिए दुनिया की पहली महिला एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया है चीन देश ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आईसीटी इनक्यूबेटरों के बिजनेस सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो वो देश है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने अध्यादेश लागू किए हैं? वो किए हैं 4, ऑप्शन ए। सो फ्रेंड, ये फरवरी मंथ की पूरी करंट अफेयर थी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।